हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम आज छत्तीसगढ़ के फिर से आज करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे, जो कि पिछले 6 मंथ में जो पूछे जा सकते हैं आपके CGSI एग्जाम में या PSC प्री में, कोई भी एग्जाम हो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम एकमात्र प्लास्टिक पार्क कहाँ होगा? तो रायपुर, बिलासपुर, बहराड़ी, चौथा इनवेस्ट कोई नहीं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। छत्तीसगढ़ के जो प्रथम एकमात्र प्लास्टिक पार्क कहाँ बनेगा, कहाँ होगा? तो आपका रायपुर में जो कि यहाँ को पार्क यहाँ पे जो कि स्थापित किया जाएगा, तो यहाँ प्रथम एकमात्र प्लास्टिक पार्क होगा जो कि रायपुर में बनाया जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल देखते हैं, स्थान सरोरा, जिला रायपुर में यहाँ जो कि स्थापित किया जाएगा। लगभग कुल क्षेत्रफल लगभग 32 एकड़ में इसको बनाया जाएगा। यह केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्रालय भारत शासन द्वारा देश में 10 प्लास्टिक पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें से इसमें से एक रायपुर को भी इसमें सम्मिलित है 10 प्लास्टिक पार्क की स्थापना में। और यहाँ पर यह छत्तीसगढ़ प्रथम एकमात्र प्लास्टिक पार्क होगा। तो यहाँ आपके केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्रालय द्वारा भारत शासन द्वारा में 10 प्लास्टिक पार्क में एक हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर ही इसकी स्थापना में मंजूरी को यहाँ पर प्रदान की गई है। तो रायपुर में आपका जो कि प्रथम एकमात्र प्लास्टिक पार्क यहाँ पे बनेगा, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा रायपुर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत राजस्व खनिजों के दोहन में खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है? तो आपका 20%, 25%, 27%, या चौथा है 30%, जिसका थर्ड ऑप्शन सही होगा 27%। तो छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन में खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। तो थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा, 27% खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। साथ ही वर्ष 2020-21 में भारत में उत्पादित खनिज मूल्य में राज्य का योगदान 17.69% रहा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज बचाव और अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रायपुर, चेन्नई, मुंबई, चौथा इनवेस्ट कोने। तो हाल ही में जो सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपके चेन्नई में यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, जिसमें समुद्री खोज और बचाव का अभ्यास का आयोजन, जिसका नाम है याद रखिए सारेक्स 2022, जो कि यहाँ 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज बचाव अभ्यास का आयोजन आपके चेन्नई में किया गया था। एग्जाम पे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आयोजन चेन्नई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लिपकार्ट और किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल विकास मिशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, बिहार सरकार, या चौथा है आंध्र प्रदेश सरकार। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाए, बिहार सरकार द्वारा फ्लिपकार्ट और यहाँ पे हाल ही में कौशल विकास मिशन के बीच यहाँ पे समझौता पर जो कि ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए बिहार सरकार और फ्लिपकार्ट के बीच। तो बिहार सरकार और फ्लिपकार्ट ने हाल ही में कौशल विकास मिशन के बीच समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसका उद्देश्य कुशल आपूर्ति श्रृंखला संचालन कर्मियों को प्रतिभा का विकास करना और साथ ही व्यवसाय के प्रासंगिक प्रशिक्षण विशेषज्ञता का प्रसारण करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपने स्पेस सेंटर के लिए दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया? तो भारत, चीन, तुर्की, अफगानिस्तान। तो हाल ही में चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया है, चीन ने। तो इसका थर्ड दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो देख सकते हैं, तो यहाँ पे डिटेल देखते हैं, चीन ने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम के नवीनतम कदम के तहत अपने नई अंतरिक्ष स्टेशन स्पेस स्टेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक 3 मॉड्यूल में से दूसरा लॉन्च किया है। चीन की उष्णकटिबंधीय द्वीप हैनान पर जो कि वेनचांग लॉन्च सेंटर से लॉन्च मार्च आपके 5B रॉकेट द्वारा वेंटियन नाम के अनक्रूड क्राफ्ट को लॉन्च किया गया। कुछ समय बाद चीन मानव युक्त अंतरिक्ष एजेंसी के एक अधिकारी ने प्रक्षेपण की यहाँ पर सफलता की पुष्टि की है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी तिथि को द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति की शपथ ली है? तो 22 जुलाई 2022, 23 जुलाई 2022, 24 जुलाई 2022, या चौथा है 25 जुलाई 2022। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 जुलाई 2022 को जो हमारे नए राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के 15वें
तो यहाँ क्रम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने हैं, तो याद रखिए 15वें क्रम के हमारे राष्ट्रपति हैं। तो 15वें राष्ट्रपति पद पर इन्होंने शपथ ली, डेट को याद रखिए 25 जुलाई 2022 को उन्होंने शपथ ली है। तो 15वें क्रम के हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति की शपथ ली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके एनवी रमन्ना ने निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की इन्होंने शपथ लिखाई। जो हमारे चीफ जस्टिस थे एनवी रमन्ना जी, इन्होंने निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद की इन्होंने शपथ दिलाई। साथ ही मुर्मू जी देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। साथ ही यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ, यह दूसरी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हमारे भारत के। साथ ही सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति है। थोड़ा अभी देख लेते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में क्वेश्चन यहाँ से आ भी सकते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के जो कि पैदा पोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम है बिरंची नारायण टुडू, इनके पिता का नाम था। तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले के जो कि पैदा पोसी गांव में इनका जन्म हुआ, संथाल परिवार के हैं, देख सकते हैं डिटेल। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मैं देश की ऐसी आपके पहली राष्ट्रपति हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ। तो इनका जन्म भारत में ही हुआ, उड़ीसा में मयूरभंज में। तो देख सकते हैं वे इससे पहले झारखंड के राज्यपाल भी रहे थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो झारखंड के जो कि पूर्व में राज्यपाल थे, झारखंड राज्य के आपके पीयून के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं आगामी एग्जाम में यहाँ से भी एक से दो क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा कौन से पदक जीत कर इतिहास रच दिया है, तो गोल्ड, रजत पदक, कांस्य पदक, चौथा ही इनमें से कोई नहीं, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रजत पदक। तो नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीत कर इतिहास रच दिया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन्होंने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप पुरुष की स्पर्धा में भाला फेंक स्पर्धा का इन्होंने रजत पदक जीत कर इन्होंने इतिहास रचा है, याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन से खेल से संबंधित है नीरज चोपड़ा, तो याद रखें भाला फेंक स्पर्धा से संबंधित है नीरज चोपड़ा जी। तो ये थोड़ा डिटेल देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीत कर इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में जो कि 88.13 मीटर के थ्रो के साथ इन्होंने रजत पदक जीता है। एंडरसन पीटर्स 90.54 मीटर के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इनके आगे जो एंडरसन थे इन्होंने इनके चूँकि प्रथम स्थान पे थे, और चोपड़ा ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, और निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 2022 में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है, मैक्स मूलर, मैक्स वेस्टअपन, लुइस हैमिल्टन, पेरेज। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए, मैक्स वेस्टअपन 2022 में इन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स खिताब इन्होंने जीता है। तो जो कि ये आपके जो आपके जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स खिताब इन्होंने जीता है मैक्स वेस्टअपन ने, जो कि आपके रेड बुल के ड्राइवर है, जो कि यह कार रेसिंग से संबंधित है खेल है, जिसमें मैक्स वेस्टअपन ने 2022 में इन्होंने खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग 25 जुलाई कहाँ आयोजित की गई है, तो रायपुर, केरल, नई दिल्ली, मुंबई। पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग 25 जुलाई से कहाँ आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो यह प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस जिसमें फीमेल जो कि फेंसिंग यह इंडिया जो कि प्रथम खेलो आपका इंडिया में फेंसिंग वीमेंस लीग है, जिसमें 25 जुलाई से नई दिल्ली में जो कि ताल कटोरा जो कि इंडोर स्टेडियम में शुरू किया गया था। महिलाओं के लिए पहली जो कि यह अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता 3 चरणों में 29 जुलाई तक आयोजित होगा। तो यहाँ पे नई दिल्ली में इसका जो कि यह आपके पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग है, इसमें जो कि तलवारबाजी से इसमें खेल खेला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किन है केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 मिला है, तो कमल हसन, केपी कुमारन, वीके सिंह है, चौथा इनमें से कोई नहीं, तो केपी कुमारन को इनमें से केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 इनको मिला है, केपी कुमारन को। तो मलयालम फिल्म निर्माता केपी कुमारन को हाल ही में केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार
जेसी डेनियल अवार्ड 2022 इनको सम्मानित किया। साथ ही उन्हें पुरस्कार में 5 लाख का नगद पुरस्कार, साथ ही प्रशस्ति पत्र एक पट्टिका शामिल जो कि किया गया है इसमें। तो केपी कुमारन जो कि मलयालम फिल्म निर्माता, इनको केपी कुमारन को हाल ही में केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेडी डेनियल अवार्ड 2022 इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने सैंड बॉक्स के तहत सीमा पार भुगतान के लिए ओपन क्रैश फ्री भुगतान नियर बाय और फेयर रेक्स को मंजूरी दी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, केंद्र सरकार। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सैंड बॉक्स के तहत सीमा पार भुगतान के लिए ओपन क्रैश फ्री भुगतान नियर बाय और फेयर रेक्स को मंजूरी दी है। तो आपके सैंड बॉक्स से आशय है नए उत्पादों या सेवाओं को नियंत्रित परिवेश में जो कि वास्तविक माहौल में परीक्षण से है सैंड बॉक्स मतलब। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने यहाँ मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ हुई है? तो पेरिस, जर्मनी, अमेरिका, भारत। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जर्मनी में हाल ही में 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता के यहाँ पर आयोजन हुआ है जो कि यहाँ जलवायु से वार्ता किसका आयोजन किया गया है जलवायु से संबंधित। तो 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता बर्लिन जर्मनी में यहाँ पे शुरू किया गया था। 2 दिवसीय अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जर्मनी और मिस्र कर रहे हैं जो इस वर्ष के वार्षिक जलवायु बैठक के मेजबान है जिसमें जलवायु के बारे में यहाँ पे बैठक का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूर संचार कंपनी वोडाफोन आइडिया विया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अक्षय मुंद्रा, मोहित दास, विनय सिंह, अमित बनर्जी। तो इसका ए ऑप्शन सही है, अक्षय मुंद्रा दुखी दूर संचार कंपनी वोडाफोन और आइडिया जिसे वीआई कहते हैं तो नए सीईओ अक्षय मुंद्रा बनाया गया है। तो अक्षय मुंद्रा दूर संचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ बने हैं। इन्होंने रविंदर टक्कर के स्थान लिए हैं। साथ ही वीआई वोडाफोन और आइडिया स्थापना 21 अगस्त 2018 को वीआई और आइडिया की स्थापना किया गया था। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, गांधीनगर, गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो जोसेफ अल्वा, कौशिक राजशेखर, कौशिक यादव, कौशक जैन। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौशिक राजशेखर जो कि इन्होंने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 इनको सम्मानित किया गया है। तो किसने जीता है? तो कौशिक राजशेखर, याद रखिए नाम, तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार है जिसमें 2022 के लिए कौशिक राजशेखर ने जीता है। तो भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है। साथ ही कौशिक राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय अमेरिका में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं और साथ ही इनको यह पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करने हेतु हुए जो कि परिवहन विद्युतीकरण और आपके ऊर्जा में दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको दिया गया है। कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 के लिए, नाम को याद रखिएगा, कौशिक राजशेखर। तो ये थे करंट अफेयर्स कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।